ओके, बैंडविड्थ मैनेजमेंट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में क्या होता है? टीसीपी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो साइज टू अकोमोडेट द नीड ऑफ द बैंडविड्थ मैनेजमेंट। विंडो साइज टेल्स द सेंडर एट द रिमोट एंड द नंबर ऑफ डेटा बाइट सेगमेंट द रिसीवर एट दिस एंड कैन रिसीव। टीसीपी यूजेस स्लो स्टार्ट फेज बाई यूजिंग विंडो साइज 1 एंड इंक्रीजेस द विंडो साइज एक्सपोनेंशियली आफ्टर ईच सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे बैंडविड्थ मैनेजमेंट क्या कैसे होता है? यहाँ पे विंडो साइज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। विंडो साइज मीन्स क्या होगा, ऐसे कुछ एक 2 बाइट 4 बाइट इस टाइप के एक विंडो साइज बनाया जाएगा। मतलब एक छोटे छोटे स्लॉट बनाए जाएंगे जिसको बोलते हैं विंडो। ठीक है, उसी से ही उस विंडो से ही डेटा कम्युनिकेशन होता है। मतलब सेंडर क्या करेगा, सेंडर और रिसीवर की बैंडविड्थ कैसे मैच करेगा उस विंडो साइज से। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द क्लाइंट यूजेस विंडो साइज 2 एंड सेंड्स 2 बाइट ऑफ डेटा। ठीक है, साइज कितना है, 2 बाइट का है। ठीक है, सेंड कितना कर रहा है, 2 बाइट कर दे रहा है। व्हेन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस सेगमेंट रिसीव द विंडो साइज इज डबल। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा इस 2 बाइट ऑफ डेटा का, ठीक है, तो विंडो साइज को क्या कर देता है, डबल कर देता है। मतलब ये इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। ओके, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, तो साइज इज डबल टू 4 एंड द नेक्स्ट सेगमेंट सेंट विल बी 4 डेटा बाइट्स लॉन्ग। When the acknowledgement of the 4-byte segment is received, the client set window size to 8. ठीक है, जैसे ही 4 bytes का acknowledgement आ जाएगा तो अगला जो window size क्या होगा, size 8 होगा उसका। ऐसे ऐसे वो double double करते, 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वो धीरे धीरे बढ़ाते जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे TCP/IP protocol में bandwidth management किया जाता है। If the acknowledgement is missed, that is data lost in transit network or it received NAC, then the window size is reduced to half and slow start phase starts again. अगर मान के चलिए हमने डेटा सेंड किया और उस समय मान के चलिए 64 साइज था विंडो का, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट जो आना था साइज 64, मतलब 64 बाइट्स ऑफ डेटा का, वो मिस हो जाता है, कहीं ना कहीं मिस हो गया या फिर कोई नेटवर्क कनेक्शन के कारण वो मिस हो गया। ठीक है, तो वहां से एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। जैसे ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है, वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कहाँ से रिसीव होगा, वो कुछ कुछ एक चेक पॉइंट्स होंगे वहां से रिसीव होगा कि डेटा जो है यहाँ तक आ गया था, उसके आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ है। वहां पे आने के बाद हो सकता है कोई नेटवर्क इशू आ जाए, ठीक है, डिवाइस बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर को। तो सेंडर क्या करेगा, उसको जो विंडो साइज वहां पे था 64, उसको जस्ट हाफ कर देगा अगले फेज में, और वहां स्टार्ट कर देगा स्लो स्टार्ट फेज। ठीक है, मतलब जो अगला जो विंडो जाएगा वो थोड़ा स्लो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैंडविड्थ मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे चीजों में देखते हैं, लाइक हम लोग अगर डाउनलोडिंग स्टार्ट करते हैं तो डाउनलोडिंग स्टार्टिंग में स्लो होती है। ठीक है, एकदम से 1 Gbps 1 Mbps इस टाइप से नहीं होती, स्टार्टिंग में स्लो होती है। ठीक है, 100 Kbps में जाएगा, फिर 200, फिर 300, 400, इस प्रकार से वो बढ़ता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ जो होता है वो यहाँ जनरली स्पीड जो होती है कोई भी डेटा ट्रांसफर की, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है, जो भी मैक्सिमम स्पीड होगी वहीं वहां तक जाके वो कैप्चर करेगा पूरा का पूरा। तो वो बैंडविड्थ जो होता है वो जनरली इस टाइप के विंडोज को यूज करके बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। TCP uses port number to know what application process it need to hand over the data segment. Along with that, it uses a sequence number to synchronize itself with the remote host. ठीक है,
टीसीपी हमेशा यूज करेगा पोर्ट नंबर कि कौन सा एप्लीकेशन जो है डेटा सेंड कर रहा है, और उसी एप्लीकेशन का जो रिसीवर एंड पे होगा उसका भी पोर्ट नंबर लेगा, ठीक है। और जो डेटा सेंड हो रहा है सेंडर के थ्रू, ठीक है, उसका एक सीक्वेंस नंबर भी होगा। मीन्स जो भी डेटा सेंड होता है तो वो सेगमेंट में डिवाइड होकर सेंड होता है, तो सेगमेंट का वो एक सीक्वेंस नंबर होगा। उस सीक्वेंस में जो सेंडर सेंड किया है उसी सीक्वेंस में रिसीवर भी रिसीव करेगा। तो यहाँ से वही सीक्वेंस नंबर यूज किया जाता है सिंक्रोनाइज करने के लिए रिमोट होस्ट पे। रिमोट होस्ट मीन्स जो भी हमारा होस्ट है, मीन्स जो भी सेंडर है या फिर रिसीवर है, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं यहाँ पे। ऑल द डेटा सेगमेंट आर सेंड एंड रिसीव विद द सीक्वेंस नंबर्स, ठीक है। जितने भी डेटा सेंड या फिर रिसीव होते हैं सब के सब सीक्वेंस नंबर से यहाँ पे रिसीव होंगे या फिर सेंड होंगे। द सेंडर नोज विच लास्ट डेटा सेगमेंट वॉज रिसीव्ड बाय द रिसीवर वेन इट गेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। मतलब सेंडर को पता रहेगा कि लास्ट डेटा सेगमेंट कौन सा था हमने सेंड किया हुआ, और लास्ट डेटा सेगमेंट कौन सा था जो रिसीवर रिसीव किया है, ठीक है। और उसका एक्नॉलेजमेंट होगा, मतलब हर डेटा सेंड होगा हर डेटा सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट हमें मिलेगा। द रिसीवर नोज अबाउट द लास्ट सेगमेंट सेंड बाय द सेंडर बाय रेफरिंग टू द सीक्वेंस नंबर ऑफ द रिसेंटली रिसीव्ड पैकेट, ठीक है। रिसेंटली रिसीव्ड पैकेट जो होगा उसका सीक्वेंस नंबर पता होगा, उससे पता लगा सकते हैं कि लास्ट सेगमेंट कौन सा था। इफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट रिसेंटली रिसीव डज नॉट मैच विद द सीक्वेंस नंबर द रिसीवर वॉज एक्सपेक्टिंग दैट इट इज देन इट इज डिस्कार्डेड एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंड बैक, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई सीक्वेंस नंबर जो है सेंडर ने सेंड किया है, ठीक है, और रिसीवर ने जो सेगमेंट रिसीव किया है वो अलग अलग है, मीन्स जो भी वहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस पे क्या होगा? रिसीवर तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हमें सीक्वेंस नंबर रिसीव हो, ठीक है। अगर रिसीव नहीं होता है तो वो उसको वो डिस्कार्ड कर देता है और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है वापस से। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और वो उस सेम सीक्वेंस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। इफ द टू सेगमेंट अराइव विद द सेम सीक्वेंस नंबर द टीसीपी टाइम स्टैम्प वैल्यू इज कंपेयर टू मेक ए डिसीजन। अगर कोई दो सेगमेंट होते जिसका सीक्वेंस नंबर सेम हो जाता है, ठीक है, तो टीसीपी टाइम स्टैम्प का यूज किया जाता है, दोनों में कंपेयर करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि वहां पे कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो इस टाइप से यहाँ पे एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल को चेक किया जाता है, ठीक है। एरर यहाँ पे दो ही चीज होती है, या तो सीक्वेंस नंबर मैच नहीं करेगा, या तो कोई दो सेगमेंट जो होंगे सीक्वेंस उसका सेम होगा, यही दो एक एरर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरली इतना स्मार्टली इस TCP/IP प्रोटोकॉल को डिफाइन किया गया है जिसके थ्रू एरर कंट्रोल जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जो एरर्स आने की संभावना होती है हमारे डेटा सेगमेंट्स में वो बहुत कम होती है, ठीक है। FTP प्रोटोकॉल जो होता है वो जनरली फाइल शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हमें इंटरनेट पे किसी भी प्रकार के फाइल्स को हम लोग को शेयर करना है, किसी भी प्रकार के फाइल, कोई भी फॉर्मेट रहे, ठीक है, अगर उसको हम लोग को रिमोट कंप्यूटर्स पे शेयर करना है, सेंड करना है, और कोई भी रिमोट कंप्यूटर से हम लोग को उसको रिसीव करना है, तो हम लोग यहाँ पे FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो FTP जो होता है वो हमेशा HTTP प्रोटोकॉल के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हमने लोकल सर्वर बनाया हुआ है, इंटरनेट का यूज नहीं किया है, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ FTP का यूज करते हैं, HTTP यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट में HTTP प्रोटोकॉल के साथ में यूज किया जाता है FTP, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ डिटेल में देखते हैं इसको। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय TCP/IP यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ठीक है। जनरली TCP/IP मॉडल में यूज किया जाता है, और ये एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है।
एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होगा, और जिसमें हम लोग फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। मीन्स होस्ट यहाँ पे हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, कोई क्लाइंट सर्वर यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, कि वो कंप्यूटर हो सकता है वो क्लाइंट हो, वो कंप्यूटर हो सकता है वो सर्वर हो, ठीक है। सभी के लिए एप्लीकेबल होता है जो भी नेटवर्क में फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इट इज मेनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज फाइल्स फ्रॉम देयर क्रिएटर टू द कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज अ सर्वर फॉर द अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। जनरली वेब पेजेस जो होते हैं उसको, जो भी होस्टिंग होती है, ठीक है, होस्टिंग से क्या करते हैं उसको एक्सेस करता है और क्लाइंट ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो वहां पे भी जो वेब पेज ट्रांसफर हो रहा है होस्ट से हमारे वेब ब्राउजर तक, उसको भी यहाँ पे FTP से ही किया जाता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का जो होस्ट होता है, होस्टिंग होती है, वो एक प्रकार की सर्वर होती है, ठीक है। जो हमने भी देखा था, जैसे मैंने खुद का वेबसाइट भी दिखाया था, तो वहाँ पे भी जो फाइल्स मैंने अपलोड किया है वो FTP के थ्रू ही हम लोग करते हैं। FTP क्लाइंट होते हैं बहुत सारे, उसके थ्रू ही उसको अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डाउनलोडिंग द फाइल्स टू कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर, ठीक है। बहुत सारी फाइल्स हम लोग डाउनलोड करते हैं अलग अलग टाइप के सर्वर से, तो वो भी हम लोग FTP का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FTP, इट प्रोवाइड्स द शेयरिंग ऑफ फाइल्स, इट इज यूज टू एनकरेज द यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स, इट ट्रांसफर द डेटा मोर रिलायबली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो अगर हम लोग को किसी रिमोट कंप्यूटर्स में कोई भी फाइल को शेयर करना है, ट्रांसफर करना है, तो बहुत रिलायबली यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली वर्क भी करता है, तो बहुत इजीली हम लोग फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FTP हम लोग इसलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। ऑल्दो ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट समटाइम्स इट कॉज प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, टू सिस्टम हैव डिफरेंट फाइल कन्वेंशन, टू सिस्टम मे हैव डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड डेटा, टू सिस्टम मे हैव डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। FTP प्रोटोकॉल्स ओवरकम्स दीज प्रॉब्लम्स बाई एस्टेब्लिशिंग टू कनेक्शन बिटवीन होस्ट। वन कनेक्शन इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर एंड अनदर कनेक्शन इज यूज फॉर कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि FTP जो होता है वो कुछ कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, जैसे कि अगर वो एक्चुअल में FTP का प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम्स के प्रॉब्लम होते हैं। अगर कोई दो सिस्टम है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल कन्वेंशन यूज कर रहा है। फाइल कन्वेंशन मीन्स जैसे कि वो एक कंप्यूटर में लाइनेक्स इंस्टॉल है, दूसरे में क्या है, विंडोज है, ठीक है। तो टोटल उसके फाइल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाते हैं, फाइल फॉर्मेट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या करता है, वो जो फाइल हम लोग भेज रहे हैं, क्या पता वो सपोर्ट करे या ना करे, उस टाइप के भी केसेस यहाँ पे होते हैं। या फिर दो कंप्यूटर सिस्टम है, दोनों के रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अलग अलग है, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग वेबसाइट्स वगैरह खोलते हैं, लाइनेक्स सिस्टम में थोड़ा अलग टाइप से खुलता है, विंडोज सिस्टम में अलग टाइप से खुलता है, फॉन्ट्स वगैरह थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, इमेजेस का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। लाइनेक्स में थोड़ा ग्राफिक्स कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं उसमें, ठीक है, विंडोज में थोड़ा बेसिक टाइप का दिखता है, ठीक है। उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, जो भी लाइनेक्स सिस्टम होते हैं उसके अलग होते हैं, विंडोज के अलग होते हैं, और भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो FTP प्रोटोकॉल्स के जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे यहाँ पे ओवरकम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के कनेक्शन इस्टेब्लिश किए जाते हैं, एक कनेक्शन होता है डेटा ट्रांसफर के लिए, दूसरा होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको मैनेज किया जाता है FTP से, ठीक है। जैसे कि इसके लिए बहुत सारे FTP क्लाइंट बनाए जाते हैं छोटे छोटे। FTP क्लाइंट मीन्स क्या होगा, वो फाइल अपलोड करने का और डाउनलोड करने का काम करेगा,
वो कहाँ पे अपलोड करेगा, कहाँ डाउनलोड करेगा, उसको सर्वर पे अपलोड करेगा और सर्वर से वो डाउनलोड करेगा। तो इस टाइप से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है उस कनेक्शन को। पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद क्या करेगा, उसमें डेटा ट्रांसफर करेगा, जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा उसको क्लोज कर देगा। तो इस टाइप से वो पूरे का पूरा FTP में मैनेज करता है। तो यहाँ पे उसके कुछ मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये है क्लाइंट, ठीक है, जो कि हमारा यूजर है। ठीक है, ये उसके पास कोई डेटा है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस उसने किया, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस, यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर इंटरफेस होगा, ठीक है, उसमें कंट्रोल प्रोसेस होगा और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस होगा। मतलब एक सिंपल सा मान लो कोई भी एक FTP क्लाइंट है। FTP क्लाइंट मतलब क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कि बहुत सारा आता है, टीम वीवर आता है, एम ई एडमिन आता है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारे FTP क्लाइंट अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। तो हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं सिंपली और इंस्टॉल कर लेते हैं, और उससे हम लोग अपने सर्वर पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सर्वर से हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, दोनों के बीच में होता है TCP/IP कनेक्शन, जो दो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एक होता है डेटा कनेक्शन, सेकंड होता है कंट्रोल कनेक्शन। डेटा कनेक्शन जो होता है वो डेटा ट्रांसफर प्रोसेस टू डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, क्लाइंट और सर्वर दोनों का डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। कंट्रोल प्रोसेस और सर्वर का कंट्रोल प्रोसेस दोनों भी डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। तो कंट्रोल प्रोसेस क्या करता है, इस डेटा ट्रांसफर प्रोसेस को हैंडल करता है और हम लोग को उसका कंट्रोल बताता है कि जो हमने डेटा यहाँ पे बनाया है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है सर्वर पे, और सर्वर का कंट्रोल प्रोसेस हम लोग को ये बताता है कि कैसे उसको क्लाइंट पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कि जो कोई भी एक वेबसाइट डेवलप किया गया, उसमें हम लोग ने फॉन्ट दे दिया वहाँ पे बहुत सुंदर सा, या कुछ इमेज वहाँ पे डाला है हमने अच्छा सा, वो सर्वर में जाके चेंज हो जाए। ठीक है, अभी सर्वर से जो डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, जैसे हमने कोई मूवी डाउनलोड किया है, वो मूवी यहाँ आके कुछ चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी, दोनों जगह सेम फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे इस टाइप का मैकेनिज्म होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन FTP, कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन। सबसे फर्स्ट आता है कंट्रोल कनेक्शन पे। द कंट्रोल कनेक्शन यूजेस वेरी सिंपल रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। थ्रू कंट्रोल कनेक्शन वी कैन ट्रांसफर ए लाइन ऑफ कमांड और लाइन ऑफ रिस्पॉन्स एट ए टाइम। द कंट्रोल कनेक्शन इज मेड बिटवीन द कंट्रोल प्रोसेसेस। द कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरेक्टिव FTP सेशंस। ठीक है, अब यहाँ कंट्रोल कनेक्शन से हम लोग क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, कमांड ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक लाइन दो लाइन के कुछ कमांड्स होते हैं, ठीक है, उस लाइन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है, और ये कनेक्शन तब तक बना होता है जब तक पूरा का पूरा FTP प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो क्रिएट किया हुआ होता है। सेकेंड आता है डेटा कनेक्शन। द डेटा कनेक्शन यूजेस वेरी कॉम्प्लेक्स रूल्स एज डेटा टाइप्स मे वेरी। द डेटा कनेक्शन इज मेड बिटवीन डेटा ट्रांसफर प्रोसेसेस। द डेटा कनेक्शन ओपन्स व्हेन द कमांड कम्स फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स एंड क्लोजेस व्हेन द फाइल इज ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे डेटा कनेक्शन जो होता है कॉम्प्लेक्स रूल यूज कर सकता है और उसका डेटा टाइप्स भी वेरी कर सकता है। मतलब जो हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसका डेटा टाइप वेरी कर सकता है। डेटा टाइप मीन्स कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, इमेज में हो सकता है, वीडियोस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो डेटा कनेक्शन है वो सर्वर और क्लाइंट दोनों में अवेलेबल होता है, दोनों में वो कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, दोनों आपस में कनेक्शन मेंटेन करेंगे। ठीक है, डेटा कनेक्शन ओपन होगा जब कंट्रोल कनेक्शन से उसको कमांड मिलेगा। ठीक है, ओपन करेगा, ठीक है, फाइल ट्रांसफर कर लेगा पूरा सर्वर से या फिर जो भी सेकंड कंप्यूटर है उससे। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, क्लोज
कर देगा, जो डेटा कनेक्शन है वो क्लोज कर देगा, ठीक है, जब भी पूरे की पूरी फाइल ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन।